हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शरीफ फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी की लास्ट वीडियो में हमने मेरा परिचय ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम व्याकरण की बुक से स्टार्ट करते हैं। व्याकरण की बुक में जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है भाषा। ओके, चलो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। भाषा क्या होती है बच्चों, सबसे पहले ये समझो। भाषा वह चीज है जिसके वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं व दूसरों की बात को खुद समझते हैं। ठीक है, अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे के विचार खुद समझ रहे हैं, तो वो किसके जरिए? भाषा। भाषा ही वो माध्यम है, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं व दूसरों की बात खुद समझते हैं। समझ गए होगे आप ये वाली बात? तो जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं भाषा में बोल रही हूँ ना, मेरी कोई लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यही भाषा है, भाषा से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा यहाँ पर आपकी बुक में दे रखी है तीन प्रकार की। ठीक है, नंबर वन है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम किसी बात को केवल बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं या सुनकर किसी की बात को खुद समझ रहे हैं, तो ये क्या हुई? मौखिक भाषा। मौखिक मीन्स हमने उसमें कोई रिटन वर्क नहीं किया है, ओनली हमने अपनी बात दूसरों से कही और दूसरे की बात हमने सुन ली ओरली। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? मौखिक भाषा। लाइक आपका देखो, जैसे ओरल पेपर होता है, तो ओरल मतलब मौखिक पेपर हो गया। उसमें आप क्या करते हो? मैम कहते हैं ना, आज तो सुनाने का पेपर है, तो मैम आपसे क्वेश्चन पूछती हैं और आप बस सुना देती हो, तो आप लिखते तो नहीं हो ना उसमें, तो वो हमारा कौन सा हुआ? मौखिक भाषा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है लिखित भाषा। देखो यहाँ पर अध्यापिका जी लिख रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। लिखकर बताना और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मीन्स जिसमें हम कुछ वर्ड्स को लिख भी रहे हैं साथ साथ और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, तो लिखे हुए को पढ़ा रहे हैं ना हम। जैसे हम लिखते जा रहे हैं, जैसे टीचर क्लास में पढ़ाती है तो बोर्ड पे लिख रहे हैं फिर आपको बता रही है, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है ये, तो उसमें हम साथ साथ लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो गई? लिखित भाषा, जहाँ हम लिखने का यूज कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी लिखित भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब हम इशारों से एक दूसरे की बात को समझते हैं, इशारे से बात करना ही हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। मीन्स ना तो हम उसमें बोलते और ना हम उसमें लिखते, ठीक है, ओनली इशारों से बात करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर इशारे से बता रहा है ना कि आउट हो या नहीं हो। ठीक है, या ट्रैफिक पुलिस होती है, जैसे रोड पे चलते हो तो वहां पर ट्रैफिक लगा होता है, तो वो इशारे से एकदम बताती है ना कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाओ, हाथ हिला के बताते हैं इस साइड जाओ उस साइड जाओ। तो अपनी बात को इशारों से एक दूसरे को समझाना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो हमारी तीन तरह की भाषा हो गई। ठीक है, बुक में हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो बच्चों, अभी हमने बुक में पढ़ा, अब हम कॉपी में भी इस टॉपिक को करेंगे। टॉपिक में सबसे पहले क्या लिखेंगे? भाषा। फिर भाषा की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, जिसे बोलते हैं परिभाषा। भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं व दूसरों की बात को खुद समझते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वही भाषा की परिभाषा है। नेक्स्ट उसके नीचे लिखा हमने भाषा के प्रकार, जो मैंने अभी आपको तीन प्रकार पढ़ाए, तीनों के बारे में बताया मैंने आपको, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कॉपी में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे भी नोट करें, आप वैसे भी कर सकते हैं कि मौखिक भाषा हेडिंग डाली और उसके नीचे मौखिक भाषा के बारे में लिख दिया, फिर लिखित भाषा डाली, लिखित के बारे में लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे मौखिक भाषा में उदाहरण दिया, आपस में बातचीत करना, कहानी, समाचार सुनना। तो समाचार अगर आप सुनते हो तो सुन रहे हो ना, है ना, वो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, तो ये भी हमारा मौखिक भाषा हो गया। लिखित में क्या क्या हो गया? जैसे टीचर पढ़ा रही है वो तो मैंने बताई थी आपको, जैसे अखबार पढ़ना, है ना, मैसेज पढ़ना। ओके, तो ये हमने भाषा के तीनों पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। आपको बच्चों ये टॉपिक अपनी बुक में
पढ़ना है और उसके बाद कॉपी में इस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।